साल था 1975। लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर गोलियां चली थी। उस समय अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ था, जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद साल 1993 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों ने ये माना कि सीमा पर किसी भी हालात में दोनों एक दूसरे पर फायरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। यही वजह थी कि 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प होने के बावजूद भी दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली। 7 सितंबर 2020 चीन और भारत की सीमा पर एक बार फिर गोलीबारी होती है। यूं तो सीमाओं पर गोलीबारी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत और चीन की सीमा पर ये गोलीबारी 45 साल बाद हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा। और चीन की ये नई हरकत सीमा पर आखिर क्यों हुई है, आइए इस पूरे मामले को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 सितंबर देर रात को आखिर हुआ क्या था इस पर। तो भारत का इसमें कहना है कि 7 सितंबर सोमवार को चीनी सेना के सैनिक LAC पर भारत के एक पोजीशन की तरफ बढ़ रहे थे और हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाया, तो उन्होंने हवा में कई राउंड फायर कर दिए और हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश की। सेना ने कहा कि इसके बावजूद भी, जो उकसाऊ हरकत चीन ने की थी उसके बावजूद भी, भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और परिपक्व व जिम्मेदार बर्ताव किया। भारत का कहना है कि चीनी सेना खुल्लम खुल्ला समझौतों का उल्लंघन कर रही है और आक्रामक हरकतें कर रही हैं। वहीं यहाँ पर चीन उल्टा भारत की सेना पर ही आरोप लगा रहा है। चीन ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने LAC को पार किया और पेंगोंगसो लेक के दक्षिण किनारे के नज़दीक शेनपाओ पहाड़ के इलाके में घुस गए और चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों पर उन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर किए। चीन ने भारत को चेताया और कहा कि भारत अपने सैनिकों को काबू में रखे। चीनी सेना के प्रवक्ता के अनुसार इससे दोनों पक्षों में गलतफहमी बढ़ेगी और यह गंभीर सैन्य भड़काऊ और घिनौनी हरकत है। तो दोस्तों, ये था दोनों देशों का पक्ष जो मैंने आपको बताया, लेकिन पिछले काफी समय से LAC पर चल क्या रहा है ये तो आप सब जानते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों के बॉर्डर में घुसपैठ करना चीन की आदत रही है। ताइवान को धमकाना हो या फिर हांगकांग को हड़पना हो, चीन करीब 6 पड़ोसी देशों की 41 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन को अब तक हड़प चुका है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो उसके पड़ोसियों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और चीन की रहमो करम पर भारत पल नहीं रहा है। भारत आर्थिक सुधार करके चीन से आगे ना निकल जाए, ये डर चीन को हमेशा बना रहता है। वो एशिया की इकलौती महाशक्ति बनना चाहता है और भारत इस मामले में उसे टक्कर दे रहा है, और यही वजह है कि चीन बॉर्डर पर टेंशन पैदा कर रहा है। लेकिन अब इससे बड़ा एक और कारण है जिसके कारण चीन परेशान है, वो है हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट टेक्निक का परीक्षण। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने 7 सितंबर को ओडिशा के तट पर हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण किया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। चलिए दोस्तों, अब आपको इस नई टेक्निक के बारे में भी बता देते हैं। आपको बता दें कि अभी तक सुपरसोनिक स्पीड पर ही मिसाइल्स को भारत में लॉन्च किया जाता था। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब है कि आवाज़ यानी कि ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज, लेकिन अब हाइपरसोनिक जो है वो सुपरसोनिक से भी कई ज़्यादा तेज़ है। दरअसल हाइपरसोनिक का मतलब ही ये है कि आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज। यानी अगर आप किसी को आवाज़ लगा रहे हैं तो आपकी आवाज़ उस शख्स तक जितनी देर में पहुंचती है उससे 5 गुना ज़्यादा जल्दी ये मिसाइल वहाँ तक पहुँच जाएगी। हाइपरसोनिक स्पीड का मिसाइल सुपरसोनिक से 5 गुना ज़्यादा तेज गति से पहुँचेगा। हाइपरसोनिक स्पीड वो गति है जहां तेजी से जा रही वस्तु के आसपास की हवा में मौजूद अणु के मॉलिक्यूल्स भी टूटकर बिखरने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये स्क्रैमजेट तकनीक क्या है। तो आपको ये बता दें दोस्तों कि इस नई तकनीक में रॉकेट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और अपनी स्पीड बढ़ाता है। इसका लाभ ये होता है कि रॉकेट में 2 गुना ईंधन भरने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि रॉकेट के अंदर डबल फ्यूल नहीं भरना पड़ता। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अब भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास स्क्रैमजेट तकनीक है और वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस तकनीक के बाद भारत के पास 2 बड़े फायदे आ गए हैं। पहला ये कि रॉकेट भेजने के वक्त ईंधन यानी कि फ्यूल कम लगेगा और इससे व्हीकल का वजन कम होगा, और दूसरा ये कि मिसाइल के लक्ष्य तक पहुंचने का समय कम हो जाएगा, यानी मिसाइल लक्ष्य को तेजी से हिट करेगी। दोस्तों, ये दूसरा कारण ही है जो चीन की परेशानी का सबब बन चुका है। जी हाँ, भारत की बढ़ती ताकत को ही चीन पचा नहीं पा रहा है और इसी वजह से LAC पर वो टेंशन पैदा कर रहा है। बहरहाल, चीन कुछ भी कर ले, वो भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगा।
दोस्तों, इस परीक्षण की सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्वदेशी था, यानी कि जो भारत अभी तक दूसरे सब हाई टेक्निक की चीज़ों पे दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था, अब वो विदेशी चीज़ें छोड़कर स्वदेशी पर आ गया है और अब वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है। तो ये था इस रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण जो मैंने आपके लिए किया। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो स्वदेशी बढ़ाने के साथ ही इसे भी आगे बढ़ाएं और बिना देरी के शेयर करें।